बेलन का मतलब क्या होता है? बेलन सर जैसे बोलो नहीं 50 mm व्यास का एक बेलन सिलेंडर बनाओ जिसकी ऊंचाई 60 mm, ठीक है। और जब जो ऐसे बनाने की बोलेगा ना, तो उसका मतलब ये है कि हमें आइसोमेट्रिक बनाना है। आइसोमेट्रिक, हाँ। क्या करेंगे, सबसे पहले एक बेस लाइन लेंगे, वही वाली एक बेस लाइन ली, एंगल लिया 30 degrees, 30 और 30, ये तो हमेशा लेनी है, ठीक है। 90 है, 90 degrees और 30 बाद में लेंगे। 50 mm का है तो 50 mm का नाप लो, प्रकार है ही अपन पे, तो उससे क्या है बराबर बराबर लग जाएगा। ये 50 का, ये 50 का, 90 ये, और ये 50 का, बस सेंटर रहा। यहाँ से अपन इसको बंद कर देंगे जी। अब इसका आधा ले लेंगे, 50 का आधा कितना होता है, 25 हो गया। सेम इधर भी ले लो 25, और इसको पैरेलल ले जाके इसका 25 ये आएगा, और इसका पैरेलल ले जाके देखिए। उसके बाद यहाँ से हल्की सी लाइन खींचेंगे इस तरह से, ये पॉइंट आ गए, इन्हीं पॉइंटों से अपन प्रकार को रखेंगे यहाँ पर, और एक इस तरह से चाप लगा, ये लगा दिया। Yes, उसके बाद यहाँ से बाहर थोड़ा सा बाहर लगा जाता है, इसको ले लो इसको, और ये ऐसे हुआ, और ये वाला हाथ से निकालना पड़ेगा जी, हो गया। अब इसी को अपन क्या करेंगे, हाइट मेजर कर लो। उसने हाइट बोली है, कितनी बोली है, 60 mm, साठ एम मेजर करके लगा दिया। ये पॉइंट ले गए, इसको मेजर कर दिया, फिर इसको ले गए, इसको कर दिया, उसको अब उसका वही फिर हाफ 25, उसका भी हाफ 25, इसके पहले ले गए 4 सेंटर वाली प्रकार से उसको ऐसे मेजर करेंगे, और एक इस तरह से आर्क कर देंगे, ये आर्क लग गया। फिर यहाँ से, और फिर अपोजिट, और इसको इस तरह से स्पर्श रेखा टच कर देंगे, ये अपना सिलेंडर बन गया। इसमें से ये वाली लाइन को हिडन करेंगे, इसमें गैस भर देंगे, और ये तुम्हारी डार्क है, ये आपका इलेप, ओ अपना बेलन कंप्लीट तैयार। इसी में अगर आपको कौन बनाना है, तो कौन बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, ऊपर डिब्बा ले जाएंगे, इलिप्स ना बनाते हुए पॉइंट मेजर कर लेंगे, और इस पॉइंट से ये टेपर, तो ये कौन बन जाएगा इसी, तो कौन और सिलेंडर दोनों दोनों बन जाए, ठीक है।